भारत सेवा ट्रस्ट पर लगा आंखों की जांच के लिए कैंप। रविवार को भारत सेवा ट्रस्ट पर मोतियाबिंद एवं आंखों की जांच के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के नेतृत्व में एक कैंप लगाया गया। कैंप में मरीजों की आंखों की जांच व मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। संस्था के संरक्षक गुलशन आनंद ने बताया कि कैंप का उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना है। उसके जरिए वो निःशुल्क अपनी आंखों का इलाज कराते हैं। कैंप में करीब 400 मरीजों ने अपनी आंखों का इलाज कराया। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा नेता गुलशन आनंद ने बताया, भारत सेवा ट्रस्ट पर इस वर्ष का ये पहला कैंप है। हर साल 3 कैंप लगते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और भारत सेवा ट्रस्ट लगभग पिछले 25 सालों से ये काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के अथक प्रयासों से आज से लगभग 20-25 साल पहले ही हमने काम शुरू किया था। 30,000 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो चुके हैं भारत सेवा ट्रस्ट द्वारा, और ऐसी प्रभु की कृपा है कि एक भी ऑपरेशन, एक भी आंख आज तक खराब नहीं हुई है। और एक लोगों के बीच में ऐसा विश्वास है माननीय मंत्री संतोष गंगवाल जी और ट्रस्ट के प्रति कि लोग एक महीना पहले ही पूछना शुरू कर देते हैं कि कैंप कब लगेगा। इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं करते हैं हम, और 3 महीनों के अंदर कम से कम 1,000 आदमी आता है आंखें चेक कराने के लिए, और निःशुल्क ऑपरेशन, खाना पीना रहना सब भारत सेवा ट्रस्ट और संतोष गंगवाल जी के प्रयासों से सबका निःशुल्क। सर कितने लोग आते हैं? 3 महीने में कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 1,000 से ऊपर लोग आ जाते हैं। कचहरी रोड पर लगी दुकानों में आग, हजारों का नुकसान। कचहरी स्थित शराब गोदाम वाली रोड पर 2 दुकानों पर लगी भीषण आग से दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है किसी खुराफाती व्यक्ति ने पन्नी में आग लगाकर खोके पर फेंक दी थी, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों खोखों की आग पर काबू पाया, लेकिन सारा सामान राख हो गया था। दुकान के मालिक सुशील को चीता मोबाइल पुलिस ने इसकी सूचना दी। इस बारे में जानकारी देते हुए दुकान मालिक ने बताया, मैं साहब ने उसकी और बीड़ी सिगरेट। अच्छा, तो कन्हैयालाल जी कैसे जानकारी मिली आपको? जी, रात में साहब पुलिस वाले घर पे गए तो हम यहाँ देखने आए। आपने इसकी शिकायत थाने में की है? नहीं साहब, आप देने जा रहे हैं। अच्छा, आग लगने की वजह किसी ने लगाई है ये बाद में पता चला, जब सिटी कैमरे में देखा था। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और हमारी थोड़ी सहायता करी जाए। हमारे काफ़ी बड़ा परिवार है जिसकी देखरेख हम पे ही है। लगभग कितने का नुकसान मांगते हैं आप? जी, अभी नुकसान का कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि सब कुछ जल गया है, अब देखना पड़ेगा। अच्छा, सूचना आपको मिलने के बाद क्या क्या आपने इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की? हमने सूचना मिलने के बाद इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की, और फिर अभी पुलिस में कंप्लेंट करने जा रहे थे। अभी हम लोग कैमरे में देख के आ रहे हैं, 1:43 पर वो आया है। सबसे पहले इस तरफ मंदिर के बराबर वाली गली से गया है वो अंदर के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद वापसी में आया है, फिर इधर को आया, दुकान में बैठा थोड़ी देर, फिर मंदिर का ताले मतलब हिलाया डुलाया, कुछ नहीं हुआ। फिर इस तरफ को गया, माचिस जलाई, एक बार काम नहीं बना, दूसरी बार 3-4 बार माचिस जलाई, इनके खोखे में नीचे फेंक दी, फिर वो खड़ा आया वहीं पे, खोखे में हल्का हल्का धुआँ छूटने लगा, वो फिर इधर आया, धुआँ छूटी तो थोड़ी देर में आग पकड़ ली खोखे ने, इसी बीच नीचे से भी आग लगने लगी। तो उसको आप पहचान पा रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है? चेहरा साहब उसका दिख ही नहीं रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया, हमें सुबह जो है 4:04 पर आग की सूचना मिली थी। ये आग थी जय माता मंदिर के सामने कचहरी वाली गली पर। इसमें जो है एक वकील साहब, उनका एक चैम्बर में बेंच जली है और 2 खोखे जले हैं, कन्हैया मनोज, और इसमें लगभग 45,000 का नुकसान है। और आग का स्पष्ट कारण नहीं पता चल रहा है, क्योंकि लाइट भी नहीं थी। अगर मोमबत्ती वगैरह की आग होती तो उससे पहले आग जल चुकी होती। ये संदिग्ध है, स्थानीय पुलिस इसकी जांच करके रिपोर्ट। मेरठ में हो रही उत्तर प्रदेश शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता के लिए बॉडी बिल्डर्स का चयन। रविवार को डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के द्वारा बरेली में बॉडी बिल्डर्स का चयन 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता के लिए किया गया। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहम्मद अलीम व वसीम हुसैन द्वारा चयन उपरांत चयनित खिलाड़ी रंजीत, फैजान, फहीमुद्दीन, आलम, राहुल शर्मा, जाबिर, संतोष, शुएब हुसैन व सचिन
मुजम्मिल अवनीश व राशिद को चुना गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी ने बताया, एसोसिएशन बरेली आज आगामी 25 नवंबर को सोबित यूनिवर्सिटी मेरठ में जो मिस्टर यूपी बॉडी बिल्डिंग कम्पटिशन हो रहा है उसको लेकर के आज हम बरेली के तमाम अपने बॉडी बिल्डर्स जो जिनको प्रतिभाग करना है उस कंपटीशन में उन सबको आज हम लोगों ने यहाँ पर उनका चयन किया है। उनका आज देखा है कि कौन लड़के हमारे ऐसे हैं जो बरेली का नाम हमारे उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उन सभी के चयन के लिए उन सबका आज सिलेक्शन को लेकर के आज हमारी एसोसिएशन के तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोबित यूनिवर्सिटी में होने वाले इस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में दिव्यांग कैटेगरी का अलग से कंपटीशन हो रहा है, मास्टर्स कैटेगरी का अलग से कंपटीशन हो रहा है और साथ ही इसमें मैन फिजिक का कंपटीशन भी इसमें साथ साथ हो रहा है। तो ये चार कंपटीशन एक साथ हैं। तो हमारी कोशिश है कि हमारे जो भी लड़के इस कैटेगरी में आते हैं इन चारों कैटेगरी में उन सभी को लेकर के हम बरेली का नाम वहाँ पर ऊँचा कर सकें। और हमारे सभी आज एसोसिएशन के लोग आज उन सब के सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं और ये टीम हमारी 24 तारीख को यहाँ से शाम को निकल जाएगी और 25 को वहाँ पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाद जो भी परिणाम होंगे उसको लेकर के हम चाहेंगे कि हमारे बरेली का परचम ऊँचा था, हमेशा है और सदैव बना रहे। हमारी सबकी इन खिलाड़ियों के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। सर, इसमें आपने कितने लोगों में से कितने लोगों का चयन किया है? ऐसा है कि 7 कैटेगरीज में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है, 0 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 और 85 एंड अबव। तो इन 7 कैटेगरीज में हम अभी सिलेक्शन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 लड़कों का चयन किया है जो अलग अलग कैटेगरीज में खेलेंगे। अभी हम पूरी टीम का चयन करने के उपरांत ही बता सकते हैं क्योंकि अभी हमारा टाइम स्टार्ट हुआ है। अभी 7 बच्चों ने अभी अपना सिलेक्शन ट्रायल दिया है, उसके बाद आगे के और भी कुछ बच्चे आने वाले हैं उनको भी हम हो सकता है कि उन्हें प्रतिभाग करने का अवसर दें। कचहरी रोड पर दुकान से चोरों ने किया हजारों रुपयों के माल पर हाथ साफ। कचहरी रोड पर माया देवी की दुकान है, रात को वो दुकान बंद कर चली गई थी। इस बीच दुकान में रखा 15,000 रुपए का सामान चोर चुरा कर ले गए। माया देवी ने दुकान में हुई चोरी की थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए माया देवी ने बताया, चोरी ऐसे उसके बाद में मैंने उधर भाग गए, सब जने हमने उधर देख रहे थे सब जने। उसके बाद में अपना आके देखा, हमने खोका तो हमारी दुकान में। लगभग कितने की चोरी का अंदाजा मान रहे हैं आप? कम से कम 10,000। 10,000। आपने इसकी सूचना किसी संबंधित अधिकारी को दी? हाँ जी। किसी अधिकारी को सूचना दी आपने? नहीं, हमने किसी को नहीं। किसी जानते, हम तो बहुत सीधे साधी औरत है, हम तो विधवा औरत हिसाब कमा खा रहे अपनी। सदर बाजार कैंट स्थित गुरुद्वारे में मनाए जा रहे गुरु नानक जी के जन्म दिवस के अवसर पर शबद कीर्तन की समाप्ति पर कराया गया लंगर का आयोजन। कैंट के सदर बाजार में स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक सिंह सभा के द्वारा गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन के अवसर पर बाहर से आए रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। समापन हो गया। इस अवसर पर सभा की तरफ से अटूट लंगर बरता गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सिख समाज के लोगों ने बताया, आज का प्रोग्राम ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सिख सभा उदासी जो कि सन 1929 से यहाँ पे सदर बाजार के पास सुशोभित है, यहाँ की संगतों ने आज गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया, जिसमें परसों से श्री अखंड पाठ साहब रखे गए थे, उनकी समाप्ति हुई। उपरांत गुरबाणी के कीर्तन भाई राजेंद्र सिंह जी हजूरी रागी जथा सुभाष नगर, गुरुसेवक कीर्तन जथा और गुरमत प्रचारें हुई हैं। अब हमने गुरु नानक देव जी की शिक्षा पे चलने का सबको संदेश दिया है, जो गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया कि भाई औरतों का सत्कार करो, जात पात के भेदभाव से निकल के मनुष्यता में सर्व परमात्मा को समझो। जैसे लकड़ी में आग है पर दिख नहीं रही,
दूध में घी है पर दिख नहीं रहा, इस तरह परमात्मा हर तरफ है। उस परमात्मा को, अल्लाह को हर तरफ जानते हुए सब कायनात का सत्कार करो। ये संदेश सभी प्रचारकों ने, सभी संतों ने एक दूसरे को दिया है। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाड़े पहुंचे शहर, कांग्रेसियों के साथ की बैठक। कांग्रेसियों में पद को लेकर चल रहे घमासान के बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, जिसको लेकर रविवार को कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाड़े नेहरू युवा केंद्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष पर गहन चर्चा की गई। उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर जोर दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाड़े ने बताया, आज बरेली में हम कांग्रेस पार्टी की जो नए पदाधिकारी का चयन करना है, उसके संबंध में सभी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। बैठक यानी कि सब कार्यकर्ताओं को हम मिल रहे हैं, उनके जो भी भावनाएं हैं उनको समझ रहे हैं, और जो जो कार्यकर्ता इसके दौरान जो पोटेंशियल लोग रहेंगे उनको अलग अलग पदों पे काम करने का जिम्मेदारी दिया जाएगा। तो इसके लिए आज ये सब लोगों के संवाद चल रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व सांसद श्री प्रवीण सिंह एरन ने बताया, कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से पूछा जा रहा है, गांव के, गली के, मोहल्ले के कार्यकर्ता की राय से अध्यक्ष बनाने की जो ये पहल करी गई है, जो तरीका अपनाया गया, ये वाकई में सभी लोग इसकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और मैं कांग्रेस नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ, इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा फैसला किया। और अब हमें पूरी उम्मीद ये है कि जिले में और महानगर में हमारी कांग्रेस और मजबूत होगी, और अगर पिछले वालों ने अच्छा काम किया है या तो उन्हीं को, नहीं तो और जो उन्होंने नए मौके दिए जाएंगे, जो भी होगा कांग्रेस के हित में होगा, कांग्रेस के भले में होगा और देश के भले में होगा। चौदह दिन में बलात्कारी को हुई उम्र कैद की सजा, 1,00,000 का डाला गया जुर्माना। थाना सीपीगंज में 14 अक्टूबर की शाम को एक युवक द्वारा 2 साल की बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया गया, जिसको लेकर थाना सीपीगंज पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी बरेली और जिलाधिकारी बरेली के दिशा निर्देश पर थाना सीपीगंज पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त को पकड़कर जेल भेज दिया, जिसे न्यायालय ने 14 दिन के भीतर ही सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा के साथ 1,00,000 का जुर्माना लगाया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया, ये मामला एक 2 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना से संबंधित था, और ये समाज के प्रति बहुत गंभीर अपराध था, इससे समाज में गलत संदेश जा रहा था, इसीलिए इसको जो है हमारे पुलिस प्रशासन व जिलाधिकारी महोदय ने भी इस पर विशेष संज्ञान लेते हुए, इसकी मॉनिटरिंग करते हुए इसको जल्दी से जल्दी जो है ऐसे प्रकरण को निस्तारित कराने के संबंध में मुझे निर्देशित किया, और मैंने इसे अपने स्तर से इसको जल्दी से जल्दी तय कराने की कोशिश की। ये घटना 14 तारीख को हुई थी, 14/10/19 को समय 6:30 बजे हुई थी, और इसमें विवेचक मुकदमा ने 21/10/19 को न्यायालय में आरोप पत्र शाम को प्रेषित कर दिया था, और इसमें आरोपी के विरुद्ध दिनांक 22/10 को ही चार्ज बन गया था। इसके बाद इसकी निरंतर सुनवाई जारी रही, और अभियोजन की साक्षी के पश्चात जब डिफेंस ने अपने डिफेंस प्रस्तुत करने को जो समय चाहा वो भी न्यायालय ने दिया, और हमने कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए थे अपने, और जिन्होंने साक्षी को ऐसे घटना को साबित किया था, और हमारे मैंने इस केस को देखने के लिए श्री रीतराम राजपूत जो हमारे एडिशनल DEC हैं वो इसको देख रहे थे, मैं इसकी जो सुपरविजन लगातार कर रहा था, और इनके सहयोग के लिए मैंने राजपाल यादव जी को लगाया हुआ था, लेकिन इसमें विशेष भूमिका हमारे SSP साहब की व कप्तान व DM साहब की भी थी। आप ये बताइए कि ये केस कितने दिन चला और कितने दिन में क्या फैसला आया? ये केस हमारे न्यायालय में 22/10/19 से प्रारंभ इसका हुआ था, और ये 16/11/19 को इसका जजमेंट हमारे यहाँ आ गया इसका, और ये समझ लीजिए घटना 14/10 की थी और 16/11 में इसका जजमेंट आ गया, मतलब जिस दिन घटना हुई थी उससे 1 महीना 2 दिन के अंदर तफ्तीश होके इसका निर्णय आ गया, और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 1,00,000 रुपए के जुर्माने से
दंडित किया गया है। कितने गवाहों की इसमें गवाही हुई और कितनी? इसमें 13 गवाहों की अभियोजन की तरफ से गवाही हुई थी और डिफेंस की तरफ से भी इसमें एक गवाह को प्रस्तुत किया गया था। क्या लगता है ये शायद देश का पहला ऐसा मामला होगा जो 2 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में डिफेंस लाया है? ये प्रदेश का तो जहाँ तक मैं समझता हूँ पहला मामला होगा जहाँ की इतनी जल्दी विवेचना पूर्ण होने के बाद घटना के और इतनी जल्दी इसका निर्णय आ गया हो। क्या लगता है कि जज साहब ने भी इसको, क्योंकि मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ था, तो उन्होंने भी इसको लगातार इसकी डिटेल डाली थी सुनवाई के लिए क्या? इस पर हमारे जिलाधिकारी महोदय व SSP साहब दोनों लोग हमारे इसको लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। मुझे उन्होंने निर्देशित किया था, मैंने भी न्यायाधीश महोदय से अनुरोध किया था कि इसके लिए जो है आप जितना त्वरित शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो सके करें जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। तो उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए उसको जो है प्राथमिकता के आधार पर इसकी सुनवाई की और इसमें निर्णय जो साक्ष्य आया उसके आधार पर पारित किया। वहीं अधिवक्ताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ये घटना 14/10/21 की थी और एक यादराम जो मुलजिम था उसने एक 2 वर्ष की बच्ची के साथ रेप की घटना की थी और उसके लिए जो 2 बच्चे थे वो मौके पहुंचे, लड़की खून से लथपथ थी, उसको लेकर आए। उसके बाद उसके पिता द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, विवेचक द्वारा 1 सप्ताह के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई माननीय न्यायालय में और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय और SSP जो शैलेश पांडे जी हैं उनका बड़ा इसमें सहयोग रहा कि उन्होंने बहुत जल्दी सुनवाई के लिए सारे साक्ष्यों को न्यायालय में भेजा और हमारे जो डीसी क्राइम हैं श्रुति पाठक जी उनका बहुत इसमें जो मॉनिटरिंग रही बहुत अच्छी रही। उन्होंने माननीय न्यायाधीश महोदय से भी निवेदन किया था कि इसकी सुनवाई जल्दी कर ली जाए और हम लोगों ने लगातार कंटिन्यू प्रति तारीख पर 2 गवाहों को पेश किया गया और उनसे बेकायदा जो उनका वकील थे निजी अधिवक्ता और सरकारी जो न्याय मित्र थे उन्होंने जिरह की और उसके बाद में डिफेंस के लिए पूरा मौका दिया गया। 2 तारीख 3 तारीख डिफेंस को दी गई थी, उन्होंने अपने गवाहों को पेश किया डिफेंस में और उसके बाद बहस हुई। तो ये इतना गंभीर मामला था प्रदेश और देश का कि 2 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार होने के बाद एक समाज में भय व्याप्त हो गया था, भय का वातावरण व्याप्त हुआ जिसके आधार पर पूरा प्रशासन की नज़र लगी हुई थी कि इसमें कितने दिन के अंदर फैसला आ गया। केवल 14 कार्य दिवस के अंदर 22 को चार्ज फ्रेम हुआ 22 तारीख के लिए और 22 तारीख के बाद 14 कार्य दिवस में माननीय न्यायालय ने जजमेंट पारित किया। हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं पाक्सो कोर्ट वो बहुत ही जुझारू सुनील कुमार यादव जी बहुत जुझारू हैं, बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार अधिकारी हैं। उन्होंने बहुत ही त्वरित न्याय का उधार देते हुए और दोषी को आजीवन कारावास 1,00,000 रुपये जुर्माना दंड किया। हाँ, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में पहला मामला होगा और देश में भी जो इतनी जल्दी न्याय मिला हो किसी पीड़ित के लिए, पीड़िता के लिए, पीड़ित के लिए, तो ये पहला मामला होगा। 14 अक्टूबर 2019 को एक बहुत ही दुस्साहसिक घटना हुई थी जिसमें 2 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया था, उसमें तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया, सेम डे एक्यूज को गिरफ्तार किया गया। इसमें त्वरित गति से विवेचना करते हुए 5 वर्किंग डे में इसमें चार्जशीट लगा दी गई थी और यहाँ पे उल्लेखनीय ये है कि 14 वर्किंग डेज में 14 वर्किंग डे में इसमें न्यायालय द्वारा सजा भी सुनाई गई है और जो अभियुक्त था उसे उम्र कैद की सज़ा और उस पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी उस पर इम्पोज किया गया है। इस तरह एक फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता जनपद पुलिस को हासिल हुई है जिसमें अभियुक्त को इतनी कम समय में रिकॉर्ड समय में उसको सजा दिलाने का काम पुलिस और अभियोजन की जो टीम है उन्होंने ज्वाइंट रूप से इसको किया है। बिजली कर्मचारी ने सुभाष नगर में रहने वाले ओमकार यादव को लगाया 1,000 का चूना। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के नेकपुर में रहने वाले ओमकार सिंह यादव का बिजली का बकाया निपटाने के लिए बिजली कर्मचारी ने ओमकार से लगभग 75,000 रुपए ले लिए और बिल भी सही नहीं करवाया, जिसको लेकर ओमकार सिंह यादव ने थाना सुभाष नगर में इस मामले में तहरीर दी है। बिल सही करा दीजिए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं बिल निकलवा देता हूँ, अब मैं अभी आपसे मिलता हूँ आपको। उसके बाद धर्मपाल चला गया,
अब वो लोग भी चले गए, लौट के आए उन्होंने ऐसा करो आप जो है मुझे पैसे दो, कितने दो, ऐसा करो 25,000 रुपया दे दिए, मैंने 25,000 रुपया दे दिया। उसके बाद धर्मपाल लेके चले गए, तो उसके बाद में भी तब 8-10 दिन बाद फिर आए, क्योंकि मुझसे कहा कि आपका बिल निकला 92,000 रुपये, अब आपका बिल 78,000 में निपट जाएगा। तो मैंने कहा मैंने ठीक है ऐसा करो पैसे दो, फिर 35,000 रुपये दे दिया, बाकी पैसे सब इकट्ठे 15 दिन बाद भी सारे ले गए, और उसके बाद ना मेरे मीटर भी बाकी ले गए, और ना ही मीटर आया, ना ही PDI, और ना ही आते भी जमा हुआ। आपने किसी संबंधित अधिकारी को उसकी शिकायत की है? शिकायत की जब जय साहब आए तो मैंने जय साहब को बताया, और बाकी टीम और आई थी। जय साहब ने क्या संज्ञान लिया उस पर? जय साहब ने कहा कि ऐसा कि ठीक है आप उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराइए, आपका पैसा लिया आप मुकदमा कायम कराइए और उसके पेपर ला दे दीजिए। तो सर मेरे लिए ना पेपर मिले, इसलिए FIR मैंने थाने में कराई। SRMS में 5वें मेडिसिन अपडेट पर हुई 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। रविवार को भोजीपुरा स्थित SRMS मेडिकल कॉलेज में 5वें मेडिसिन अपडेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए डॉक्टर्स ने अपने अपने विचार रखे। तथा नई मेडिसिन डोज के बारे में लोगों को जानकारी दी तथा इससे होने वाले लाभों को समझाया। इस बार मेडिसिन अपडेट की थीम गो ग्रीन रखी गई, जिसके तहत कॉन्फ्रेंस में हर चीज को इको फ्रेंडली रखा गया था। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस के समापन पर सभी डेलीगेट्स को पौधे भेंट कर विदाई दी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर राज चंद्रप्पा बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम ने बताया, या जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट में या इंस्टीट्यूशन में, जो ये विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स हैं, एक प्लेटफॉर्म पर उनको लाया जाता है और एक ये अपने एक्सपीरियंस अपने रिसर्च वर्क को सबके सामने लाते हैं। मेडिसिन टेक्नोलॉजी आप अगर आप इतिहास में आए तो आप देखेंगे हर कुछ समय बाद नया नई चीज़ खोज होती चली जा रही है, जैसे जैसे नई नई बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं नए नए इलाज भी बढ़ रहे हैं, और जिस पेस में विज्ञान में जिस तरीके से मेडिकल क्षेत्र में जिस तरीके से इनोवेशन उतरे चले जा रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि लाइफ साइकिल में सबकी बढ़ रही है। और इसी उद्देश्य से SRMS का भी सोचना ये है कि इतने विख्यात लोगों को यहाँ बुलाएं, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे स्टूडेंट्स को डॉक्टर्स को मेडिकल फ्रटर्निटी को, इनसे हमको सीख पाए। और बहुत बार जो हम कुछ कर रहे होते हैं हम भी ये दूसरे के मुँह से सुनते हैं कि हाँ ये जो हम यही वो बात कह रहे हैं जो हम भी कर रहे हैं, तो उस पर एक कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। एकेडमिक जो ये जो इवेंट्स करते हैं ये वन साइड टॉक नहीं होती कभी, ये हमेशा एक प्लेटफॉर्म होता है कि डॉक्टर्स हों या इंजीनियर हों जिस जो भी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज हों कोई भी कॉन्फ्रेंस हो उसमें बोथ साइड कम्युनिकेशन होता है, बोथ साइड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। बहुत से बार ऐसी चीज़ें सिचुएशंस क्रिएट होती हैं सिम्पोजियम हम लोग कॉन्फ्रेंसेज में ओपन एयर ओपन हाउस क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, जहाँ पे अगर मैंने कुछ अपनी विचार रखे हैं और उससे सहमति नहीं है तो डॉक्टर्स उसको बताते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, उससे लोग सीखी जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हमने जो पाया है कि इससे मेडिकल क्षेत्र में शोध के लिए नए आयाम पैदा होते हैं। ने मेनली जो है एंटीबायोटिक्स पे बात की है, हम लोग ये देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक का जो यूज़ है बहुत रैम्पेंटली यूज़ हो रहा है। एंटीबायोटिक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अगर आप उसी को वायरल इन्फेक्शन दूसरे टाइप के इन्फेक्शन इसमें सब देंगे तो उसमें डेफिनेटली ना उसका इफेक्ट आएगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने इसी के ऊपर ही बात किया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जा सकता है, एंड कुछ न्यूअर इनोवेशंस भी हुआ है उसको हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ब्रेकर बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमने बात किया। तो किस तरीके से जो एक आम जनता है जो एक साधारण मरीज होता है वो कैसे पहचानेगा क्या लक्षण है और कैसे उसको जो है बचाव कर सकता है? जी जैसे ये सीज़न है, ये इस समय का सीज़न जो है मोस्टली वायरल इन्फेक्शन के लिए है, ऐसे वायरल में सर्दी जुकाम खांसी थोड़ा बहुत हुआ है उसमें ये एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल सही नहीं है।
ज़्यादातर लोग जो है दवाई की दुकान पे जाके एंटीबायोटिक चूज़ कर लेते हैं और उसी को ही खा लेते हैं, तो ये चीज़ हम लोग जो है नहीं पसंद करते हैं डेफिनेटली। इसी तरह से धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। इस बार का हमारा कॉन्सेप्ट जो रहा है वो है मेडिसिन ओवर द डिकेड, मतलब लास्ट के 10 ईयर्स में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारी मेडिसिन में, उस पर इस कॉन्फ्रेंस में सारे स्पीकर्स ने आकर बोला है। और दूसरा हमारा थीम है गो ग्रीन। गो ग्रीन थीम हमने इसलिए लिया है कि आजकल की जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में, उसको सेव करने के लिए हमने नो प्लास्टिक यूज़ किया है। जो हमारे बैजेस भी बने हैं वो भी सारे क्लोथ्स के बने हैं, और जो हमने किट भी सब दी है सारे अपने डेलीगेट्स फैकल्टी की, वो भी जूट की बनी है। एंड इन टर्न हम जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, फैकल्टी आ रहे हैं, स्पीकर्स आ रहे हैं, उनको इन टर्न हम लोग एक प्लांट भी दे रहे हैं जाते हुए कि आप अपने घर में जाकर प्लांट को लगाइए, जो कि हमारा जो गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करते हुए। बालाजी मंदिर में भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। रविवार को बालाजी मंदिर में कथावाचक पंडित परम पूजनीय सत्येंद्र मोहन शास्त्री जी के मुखारविंद से भागवत कथा का गुणगान किया जाएगा, जो 23 नवंबर तक चलेगी, जिससे पूर्व आज भागवत प्रेमियों ने अपने सर पर कलश रखकर भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। मादक पदार्थों के साथ एक युवक गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। बरेली में मादक पदार्थ की खेप लगातार लाई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस के आला अफसर सचेत हैं। पिछले दिनों भी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ताजा मामला थाना बारादरी का है। रविवार की सुबह रोहेलखंड चौकी बीसलपुर रोड से 8 बोरों में 2 क्विंटल 2 किलो गांजे के साथ एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसकी कीमत लगभग 55,000 रुपए आंकी गई है। पकड़ा गया युवक वली हसन पुत्र अली हसन निवासी आकाशपुरम कॉलोनी बारादरी का बताया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया। एएसपी बरेली के नेतृत्व में थाना बारादरी टीम ने एक सराहनीय कार्य किया है, जिसमें उड़ीसा से मेरठ ले जाया जा रहा एक गांजे का बड़ा खेप इन्होंने पकड़ा है, जो ट्रक में लोड था। ट्रक के साथ 2 क्विंटल 2 किलोग्राम गांजा, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 55 लाख रुपीज़ है, उसको पकड़ा गया है। साथ ही साथ एक अभियुक्त वली हसन, जो ट्रक का मालिक भी है, उसे पकड़ा गया है। और इसमें और भी हमारे पास इनपुट है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाकर युवती का करवाया निकाह। अब ससुराल वाले पीड़िता को जबरन नमाज पढ़ने और मीट खाने के लिए बना रहे हैं दबाव। यूपी के बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया कि उसने आरिफ नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसके ससुरालियों ने जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसका निकाह करवाया। अब ससुराल वाले उसे जबरन नमाज पढ़ने और मीट खाने के लिए प्रताड़ित करते हैं। मामला थाना बारादरी का है। यहां रहने वाली वैष्णवी उर्फ आलिया का आरोप है कि उसने 1 साल पहले आरिफ से प्रेम विवाह किया था। उसकी सास मसर्रत फातमा व नंदे, आसमा और चंदू, निशा खान और फरा खान उसे मीट खाने व नमाज पढ़ने का दबाव बनाती हैं। जब इसका विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट करती हैं। इतना ही नहीं, वैष्णवी के पति आरिफ ने जब उसका साथ दिया तो आरिफ के साथ भी मारपीट की। वैष्णवी भगवान की पूजा करती है और मंदिर जाती है, और उसके पति को इस बात को लेकर कोई एतराज नहीं है, जिसको लेकर वैष्णवी उर्फ आलिया ने एसएसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। इस बारे में जानकारी देते हुए युवती ने बताया, मेरी नंदे हैं, सास हैं, मुझे लगातार परेशान कर रही हैं, मेरा धर्म परिवर्तन कराना चाहती हैं, मांस खिलाती हैं, जबरदस्ती आके मुंह में मांस ठूसती हैं। मेरा कमरा अलग है, मेरे कमरे में घुसाएंगी, मारपीट करेंगी, मेरे कमरे में जितना सामान होगा सब तोड़ के चली जाएंगी। मेरे पास फुटेज है, तब भी प्रशासन सुनना ही नहीं चाह रहा है। हर जगह जी नमाज पढ़ाना चाहती हैं, बुरखा पहनाना चाहती हैं, चाहती हैं हर वो रीति रिवाज फॉलो करूँ मैं जो मुस्लिम फॉलो करी, मैं क्यों करूँ?
इंडिया इंडिपेंडेंट है, मेरे को हर एक राइट है, मैं जो रिलीजन फॉलो करना चाहूँ मैं अपनी मर्जी से करूँ तो ठीक है, जबरदस्ती तो कोई मेरे साथ नहीं कर सकता। जी नहीं, बिल्कुल सामने सामने शादी हुई थी, मुझे पहले कोई दबाव नहीं था, अब ये ड्रामा हो रहा है रोज रोज का। और मेरे पति अगर मेरा सपोर्ट करें, उनको मारा पीटी करी जाती है उनके साथ। मैं अभी भी थाने से जस्ट मेरे पास फ़ोन आया है कि अगर तुम थाने नहीं आए तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। परत नकवी मैडम उनके पास उन्हीं का सपोर्ट कर रही हैं, जहाँ पे भी जाऊँ वो अपना हाथ रख देती हैं कि भैया उनकी FIR हो जाती, हमारी होती नहीं है। 1.5 साल हो गया है, कुछ नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। जी मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तभी तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है सर। वहीं उसके पति ने कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? सर मेरा पारिवारिक झगड़ा है, मैंने हिंदू लड़की से शादी करी, मेरे घर वालों को कभी एतराज़ नहीं था चीज़ का, अब इधर आके उसमें थोड़ी नेतागिरी परत नकबी करने लगी हैं। और मैंने उनसे कहा भी, परत बाजी आप इस घर का परिवार का झगड़ा बैठ के घर में निपटवा दीजिए, और वैष्णवी को जब मुझे कोई रिलीजन को लेकर परेशानी नहीं है, मेरे घर वालों को या आपको भी नहीं होना चाहिए। ये मंदिर जाती है मैं नहीं रोकता हूँ, और मैं मज़ार पर जाता हूँ ये मुझे नहीं रोकती हैं, हमें रिलीजन को लेकर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरी बीवी को पर इधर आके कितना दबाव बना जा रहा है, जब तुम मुस्लिम घर में आ गई हो तुम्हें मुस्लिम बन के ही जीना पड़ेगा। ये मेरी बहनें कहती हैं, मैंने तो अपनी बहनों की सपोर्ट करी शुरू से, जब से CCTV कैमरे लगाए तब मैंने देखा मेरी बहनें हाँ इनके साथ ज़्यादती करती हैं, तब मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अरे इनके साथ बदतमीज़ी करती हैं, मारा पीटी करती हैं, मैंने CCTV कैमरे में देखा, वरना मैं इन्हें गलत समझता था पहले। ये मेरी बहनों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मेरी अम्मी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मैंने अपनी माँ बहनों की सपोर्ट करी, जब मैंने CCTV कैमरे की फुटेज देखी है जब से मैं इनका फेवर करने लगा हूँ, वरना 1 साल से अभी तक मैंने कभी इनका फेवर नहीं करा, इनके साथ जुल्म हो रहा है। मेरा नाम आरिफ खान है सर, मैं चाहता हूँ इस झगड़े का जो भी है कुछ भी बैठाल के पुलिस प्रशासन तरीके से निपटवाया जाए, दोनों पक्षों सुना जाए, एक पक्ष को ना सुना जाए। थाना बारदरी है, सलानी पुराने शहर के रहने वाले हैं हम लोग। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ये महिला भी हमारे सामने पेश हुई है पुलिस कार्यालय में, उसने आरोप लगाया है कि जो उसके ससुराल वाले हैं जहां उसने शादी करी है वहां उसको परेशान किया जा रहा है, और वो थाने पे भी गई थी तो थाने पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की है, इसीलिए ये जांच CO 3rd को दी गई है जो कि दोनों के पक्षों को सुनकर निस्तारण करें और इसकी निष्पक्ष जाँच करें। आरोप यही छोटे छोटे हैं जो परिवार में होते हैं कि रहने नहीं दे रहे हैं, खाने को कुछ उल्टा सीधा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, यही आरोप हैं इसका। नहीं, ये तो सब जांच में आएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि थाने पुलिस से वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए CO City 3rd को ये जांच दी गई। अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें, हमारा फोन नंबर है 9760095470, या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, DDpuram बरेली। इसी के साथ समाचारों का यह सिलसिला यहीं खत्म होता है, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।